قدیم زمانے میں کشمیر ناگاؤں سے بھری ایک جھیل تھی، چاروں طرف پانی ہی پانی تھا، یہاں طرح طرح کے قبیلے رہتے تھے۔ داستان ہیما ناگراج اسی زمانے کی کہانی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہو جائیں گی، شی از انڈر اے شاک۔ شاک تو ہم سب کو لگا ہے، میں نے تو پہلے دن سے کہا تھا، مگر بھائی صاحب مانتے ہی نہیں ہے۔ انہیں تو قطروں سے کھیلنے کا شوق ہے، اب دیکھو ہماری چھوٹی ننی۔ نہیں چاچی، آپ تو شانو کو تسلی دینے آئی ہیں، اور آپ ہی ہمت ہارنے لگیں گی تو۔ ارے کلیجہ پتھر کا تو ہے نہیں، نہ جانے کاہے کو اس بلا کو گھر میں پال رکھا ہے۔ اب اس وقت ان باتوں کا کیا فائدہ ہے، ارے دعا مانگیے یہ سب کسی بھدے مزاق کی طرح جلدی ٹھیک ہو جائیں۔ جاؤ جلدی فون کر کے آؤ سنیل بھائی کے آفس، کچھ پتہ لگا کہ نہیں؟ سنیل بھائی آفس میں نہیں ہیں، میں نے فون کیا تھا، سب نگین لے گئے ہیں، پھر بھی دیکھتی ہوں۔ ہوش میں آؤ شانو، ننی ملی، شانو ننی ملی، ننی مجھے مار ڈالو، کچھ بتائیے نا۔
कहाँ है नन्नी? ये क्या है? तब ठीक तो है ना भाभी? आप ठीक तो है भाभी? मुझे गोली लगी है, मगर मेरी नन्नी आज नहीं आने दी। वो लोग मेरे पीछे लगे हैं। मैं नन्नी को घर छोड़कर उन्हें चकमा देके भाग जाऊंगी। बचू न बचू क्या पता, पर बस एक ही बात कहनी है। मैं आप सब पर बोझ थी, मुझे माफ कर देना। मैंने कभी आप लोगों का बुरा नहीं सोचा। आप सबकी इज्जत की और बाबा की इबादत। बाबा मुझे माफ कर दीजिएगा। पता नहीं फिर मिलूं या नहीं मिलूं, बस एक बार मिलना चाहती थी। आपकी सुरैया। क्या है ये? किसका खत है ये? ये कैसा खत है ये? और सुरैया बाबी कहाँ है? नन्नी उनको कैसे मिली? और ये बाबू मुझे नन्नी यहाँ आई कैसे? मामा को खबर कर दी गई है, परसों सुबह तक आ जाएंगे। बदमाशों को हमने पकड़ लिया, उन्होंने सब कुछ बता दिया। उन्होंने नन्ही को उठाने का प्लान बनाया था। सुरैया भाभी ने इकबाल और उनकी फोन पे बात सुन ली थी। वो फौरन नन्ही के स्कूल भागी। काफी देर तक चकमा देती रही, लेकिन वो बदमाश शैलेंद्र वो दोनों से भी ज्यादा खूंखार है। उसका तो क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। भाभी उसे काफी देर तक नन्ही को बचाती रही, लेकिन उसकी गोली का शिकार हो गई। गोली लगने के बाद भी काफी देर तक वो उस बदमाश से नन्ही को बचाती रही। घर तक भी वही छोड़ के गई थी उसे, और उसे बुलावे में देने के लिए वो काफी आगे निकल गई। लेकिन जब तक हम उनके पास पहुंच पाते, उनकी गाड़ी स्किड कर गई और गाड़ी में आग लग गई।
डर से काम नहीं चलेगा, हम दोनों हिम्मत करेंगे। मगर सपनों का क्या है, वो खुद ब खुद अक्स बना लेते हैं। और तुम तो मुझे मेरी बहन से ज्यादा प्यारी हो। सुरैया चलती हूँ, मैं कल फिर आऊंगी। सुरैया कहाँ चले गए थे तुम? तुम ठीक तो हो ना? पुकारा? आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? कौन है आप? जो अभी आप गा रही थी वो कैसे जानती है? अपने पति से। अपने पति से? जी, वो ये गीत मुझे गाकर सुनाया करते थे। मैं उनकी थी और वो मेरे। चारों तरफ बहारें थी, गीत था, संगीत था। एक दिन वो पृथ्वी पर एक अत्यंत रूपमती के प्रेम में उलझ गए। मुझे बिसरा दिया और मैं उनकी खोज में जगह जगह घूमती रहती हूँ। आप नहीं समझ पाएंगी ये वियोग कितना असहनीय होता है, उसकी वेदना। आपने ये नहीं बताया कि आप मेरा नाम कैसे जानती हैं, मुझे कैसे पहचानती हैं? आप जैसा अलौकिक सौंदर्य मैंने आज तक नहीं देखा है, इसीलिए जान गई कि आप ही हिमाल हैं। मैं आप ही को ढूंढ रही थी। मुझे क्यों? क्योंकि आप ही ने मेरे पति को मुझसे छीन लिया है। कौन? नागराज? जी हाँ, नागराज मेरे पति हैं। हम नाग हैं, पातालवासी। वो अपने वरदान के बल पर अपना रूप बदलकर आपके साथ विवाह कर यहाँ रह रहे हैं। वो ब्राह्मण पुत्र नहीं है, केवल उनके पाले हुए पुत्र है। नहीं, ये झूठ है, मिथ्या है। मेरे नागराज मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात नहीं कर सकते। तुम झूठ बोल रही हो। तो पूछ लीजिए उनसे। उनसे पूछूं? आरोप लगाकर उनका अपमान करूं? और उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया, धोखा किया, अपमान किया, वो कुछ नहीं? नहीं,
मुझे अपने नागराज पर पूरा विश्वास है। मैं तुम्हारे भ्रमजाल में आने वाली नहीं हूँ। यदि पूछना ना चाहो तो सत्य जानने का एक और उपाय है। क्या? उनसे कहिएगा कि एक ऐसे जलाशय में जिसमें दूध पड़ा हो टुक्की लगाकर दिखाए। यदि वो नाग है हमारे लोग की तो इस परीक्षा के लिए कदापि राजी नहीं होंगे, क्योंकि ये उनका अभिशाप है। उनका असली रूप निकल आएगा। और यदि वो आपके पति हैं, ब्राह्मण हैं, मानव हैं, तो उन्हें इस परीक्षा में कोई आपत्ति नहीं होगी। कोई भय नहीं होगा। भगवान करे ये सब झूठ हो, तुम किसी भ्रम का शिकार हो गई हो, तुमसे भूल हो गई है। तुम मैं अपने सत्य की परीक्षा अभी दे देती हूँ। एक पतिव्रता नारी किसी के प्रकोप से नहीं डरती है। अगर मैं झूठी हूं तो मेरा हाथ तो क्या, पूरा शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। आज मुझे एक स्त्री मिली थी, वो वही गीत गा रही थी जो आपके अतिरिक्त कोई और नहीं जानता। उन्होंने कहा कि वो आपकी पत्नी है और आपके वियोग में वन वन भटक रही है। मुंह क्यों मोड़ लिया? सत्य कड़वा होता है ना। उन्होंने ये भी कहा कि आप ब्राह्मण पुत्र नहीं हैं, आपने केवल ब्राह्मण के घर आश्रय लिया है। उन्होंने आपको केवल पाला है। आप नागवंशी हैं, पाताल लोक के वासी। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे?
जानना चाहती हूँ कि मैंने जो भी कहा है वो कहाँ तक सत्य है। मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रही हूँ। कुछ भी कहने से पहले मैं इतना अवश्य कहूंगा, मैंने तुमसे असीम प्रेम किया है हिमाल। मेरे हृदय में, मेरे रक्त में, मेरी हर श्वास में केवल तुम हो हिमाल, केवल तुम। ये मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं है हिमाल, मैं तुमसे प्रेम करता हूं और तुम ही मेरी पत्नी हो, बस यही अंतिम सत्य है। फिर वो आप पे आरोप क्यों लगा रही थी? उन्होंने ये भी कहा है कि यदि आप सत्य कह रहे हैं तो आपको एक छोटी सी परीक्षा देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। कैसी परीक्षा हिमाल? आपको एक ऐसे जलाशय में डुबकी लगानी होगी जिसमें दूध पड़ा, इससे ये पता चल जाएगा कि आप नागवंशी हैं या नहीं। उसने कहा तुमसे? क्यों, ठीक नहीं कहा उसने? नागराज, कह दो कि ये सब झूठ है, कह दो कि ये सत्य है, कि आपकी कोई पत्नी है, कि आप ब्राह्मण पुत्र नहीं है। मुझसे ये सब सहा नहीं जाता, बहुत प्रेम करती हूँ, बहुत प्रेम। हिमाल, अगर प्रेम करती हो तो इन सब की क्या आवश्यकता है? प्रेम सत्य है, पूज्य है, पवित्र है। अगर यही आधार है हमारे बंधन का तो ऊंच नीच का प्रश्न ही नहीं उठता। उठता है, प्रेम का अपना स्थान है और सिद्धांतों का अपना। आप परीक्षा देंगे या नहीं? हट मत करो हिमा, अनर्थ हो जाएगा। कैसा अनर्थ? व्यवस्था ने मुझे बांध रखा है। मैं केवल यही कह सकता हूँ हिमा, मेरे प्रेम पर विश्वास करो, ये सब भूल जाओ, वो तुम्हें केवल जलाने आई थी। तो आप परीक्षा नहीं देंगे? मेरा अनुमान ठीक ही निकला। कोई ऐसे ही अपनी हथेली अग्नि पर रखकर परीक्षा नहीं देता। उसकी आंखों में सत्य का तेज था, विरह की आग। वो मुझे जलाने नहीं, आपको ढूंढने आई थी। कौन थी वो? आप मुझे केवल स्पष्ट रूप से इतना बता दें कि आप परीक्षा देंगे या नहीं। मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रही हूं। तुम्हें यदि मेरे प्रेम पर संदेह है तो अवश्य परीक्षा लो। तुम्हें यदि मेरे अस्तित्व पर संदेह है तो अवश्य परीक्षा लो।
तुम्हें यदि मेरे चरित्र पर संदेह है तो अवश्य परीक्षा लो, किंतु हिमाली मैं ये परीक्षा तुम्हारे अविश्वास को विश्वास में बदलने के लिए नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें अपने प्रेम की उन गहराइयों को दिखाने के लिए परीक्षा दूंगा जिन्हें तुमने स्वप्न में भी नहीं देखा होगा। किंतु हिमाल एक बात जान लो, इसका अंत बहुत भयंकर होगा, बहुत भयंकर। न तुम सह पाओगे और न मैं।